Good morning, students. In our previous lecture, we studied animals and the place where they live. Now we will discuss our next topic, body covering. So let's start. Body covering, body ki covering. Okay? Different animal have different body covering. Different animals mein alag alag body covering hoti hai. And animal's body covering helps it to live in a particular habitat. जो एनिमल्स की बॉडी कवरिंग होती है वो उन्हें उनके हैबिटेट में रहने में हेल्प करती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी कवरिंग होती है. सो फर्स्ट इज द बॉडी ऑफ अ पोलर बियर इज कवर्ड विथ फर. जो पोलर बियर होते हैं उनकी बॉडी फर से कवर्ड होती है ताकि वो जहाँ रहते हैं उस हैबिटेट में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए. ओके, बॉडीज ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विथ फैदर. जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी फैदर्स मीन्स पंख से कवर्ड होती है. क्रोकोडाइल्स हैव थिक प्लेट लाइक स्केल्स. जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उसमें थिक प्लेट लाइक स्केल बने हुए होते हैं. ओके, ताकि वो जिस हैबिटेट में रहते हैं वहाँ अपने आप को सर्वाइव कर पाए. ओके, बॉडीज ऑफ फिश एंड स्नैक्स आर कवर्ड विथ स्केल्स. जो फिश और स्नैक्स होते हैं उनकी बॉडी स्केल से कवर होती है. सीन दिस पिक्चर. ये क्या है, बॉडी में जो कवरिंग है उस पर स्केल्स बनी हुई होती है. इस तरीके से वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उनके हैबिटेट में उन्हें रहने में हेल्प करती है, सर्वाइव करने में हेल्प करती है. टर्टोइज एंड स्नेल्स हैव अ शेल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. टर्टोइज एंड स्नेल में क्या होते हैं, शेल होते हैं. उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, शेल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज शेल. ओके, ये टर्टोइज है. टर्टोइज में क्या होती है, शेल होती है उनकी बॉडी के ऊपर, जो कि उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. जब उनके एनिमीज उन्हें जब ऐसा लगता है कि उन्हें कोई हार्म पहुंचाने के लिए आ रहा है या कोई उनका एनिमी आ रहा है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, शेल में अंदर छुपा लेते हैं, अपने आप को हाइड कर लेते हैं. ठीक है, तो उनमें अपने आप उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें शेल होते हैं. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग. तो आइए हम और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग के बारे में जानते हैं. सो फर्स्ट इज स्केल्स. Fish are covered with a layer of overlapping part of one covers the other. Scales, जो fish होती है उनकी body के ऊपर एक layer होती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, scales कहा जाता है. ठीक है, आप सभी ने देखा है fish के ऊपर जो body covering होती है वो scales होती है. Scales form a protective layer and protect the fish from injury. जो scales होते हैं वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है फिश के ऊपर जो उन्हें इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. इंजरी मीन्स अगर उन्हें कुछ लगने वाला हो या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो इंजर हो सकते हैं उससे उन्हें वो प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स वो होते हैं जो अपने स्टमक को ऐसे घिस कर चलते हैं. ठीक है, जो अपने पेट के सहारे चलते हैं उन्हें कहते हैं रेप्टाइल्स. स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड. कौन होते हैं रेप्टाइल्स, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड. ठीक है, टू आर कवर्ड विथ स्केल्स. ये भी इनमें क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. इनकी बॉडी पर भी एक लेयर होती है, स्केल्स होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है. डिड यू नो स्टूडेंट्स, क्रोकोडाइल आर इवन फाउंड इन द सहारा डेजर्ट. जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो सहारा डेजर्ट में भी पाए जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, शेल्स. मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली दोज फाउंड इन द सी हैव शेल्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सी में पाए जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन के लिए उनकी बॉडी में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं. ओके, मोलस्क्स, स्नेल एंड टर्टल्स हैव शेल्स. ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें शेल्स होती है. दे यूज शेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी. और ये शेल का यूज़ अपने आप को अपने एनिमीज यानी कि अपने दुश्मनों से अपने को प्रोटेक्ट करने में यूज करते हैं. सम एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ देयर शेल्स एज दे ग्रो. कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, कुछ एनिमल्स के ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं लाइक स्नेल. ये जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होते जाती है वैसे वैसे इनकी शेल की भी ग्रोथ होते जाती है. ठीक है, एनिमल्स सच एज टर्टोइज एंड टर्टल आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय देयर शेल. कुछ एनिमल्स जैसे कि टर्टोइज एंड टर्टल, इनमें भी शेल्स होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी उन्हें प्रोटेक्ट करती है. व्हेन दिस एनिमल्स आर थ्रेटन्ड दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल. ये एनिमल जब उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एनिमी उनकी तरफ आ रहा है तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी और अपने फीट को अपनी शेल में अंदर की तरफ हाइड कर लेते हैं. टर्टल शेल कैन बी वेरी स्ट्रांग. और जो टर्टल होते हैं
उनकी जो शैल होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है. ओके. फैदर्स, बर्ड्स हैव फैदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स में फैदर्स, फैदर्स मीन्स पंख होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फैदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फैदर बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं. पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया हैज़ ब्यूटिफुल फैदर्स विथ मेटालिक सेट्स ऑफ ब्रॉन्ज, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड. पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, जो हमारे भारत का नेशनल बर्ड है, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल फैदर होते हैं जो मेटालिक शेड्स में होते हैं, जिसमें कौन कौन से कलर होते हैं, ब्रॉन्ज, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड. ठीक है, ब्रॉन्ज मीन्स जो येलोइश होता है, येलोइश ब्राउन कलर होता है, उसे कहते हैं ब्रॉन्ज. ओके, पीतल के कलर का, पीतल के शेड का. ओके, तो बर्ड्स में क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, फर. एनिमल सच एज आर्कटिक फॉक्स, बियर्स एंड वोल्व्स हैव थिक हेयर कॉल्ड फर ऑन देयर बॉडीज. एनिमल जैसे कि आर्कटिक फॉक्स, बियर्स एंड वोल्व्स, इनमें क्या होते हैं, थिक हेयर्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी को कवर करते हैं और ये क्या कहलाते हैं, फर कहलाते हैं. फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड. और उनके जो फर होते हैं ये उन्हें रेन और कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, बचाते हैं. क्यूटिकल, इंसेक्ट हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द बॉडी. इंसेक्ट जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, लाइक मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस, इनमें क्या होती है, जो कवरिंग होती है इनकी बॉडी पर भी एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है. दिस कवरिंग इज कॉल्ड क्यूटिकल. इनमें जो हार्ड कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं. जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच की बॉडी के ऊपर एक हार्ड कवर होता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और ये क्यूटिकल क्या करता है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज थिक फर प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम द कोल्ड. ये जो पोलर बियर है इसकी बॉडी पर फर होते हैं, थिक फर होते हैं. क्यों? क्योंकि पोलर बियर कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में, जहाँ चारों तरफ स्नो होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. तो ऐसे एनिमल्स में क्या होते हैं, बहुत ही थिक फर होते हैं जो उन्हें ज़्यादा ठंडी लगने से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, नाउ कॉमीफ्लैज. कॉमीफ्लैज बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कवरिंग क्या करती है, उनके जो सराउंडिंग जहाँ वो रहते हैं उसे मैच करती है. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज मॉथ कॉमीफ्लैज अगेंस्ट अ ट्री बार. ये एक मॉथ, एक कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, लाइक अ बटरफ्लाई. ये आपको बटरफ्लाई जैसा ही दिख रहा है. ये कहाँ बैठा हुआ है, एक ट्री की बाग पे बैठा हुआ है. बट इसका जो कलर और टेक्सचर है इसकी बॉडी का, वो इस बाग से मिलता जुलता है. तो कोई अगर इसका एनिमी होगा वो उसे पहचान नहीं पाएगा. तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे अपने आप को कॉमीफ्लेज कर लिया. ठीक है, तो इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो उनके सराउंडिंग एरिया से क्या करती है, मैच करती है. इस तरीके से ये अपने आप को उस एनवायरमेंट में कॉमीफ्लेज कर लेते हैं, यानी अपने आप को हाइड कर लेते हैं. इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी. ये क्या करते हैं, ये जो कॉमीफ्लेज होता है जिन एनिमल्स में, वो उन्हें हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इनमें स्पॉट्स होते हैं जो कि उन्हें उनके एनिमल से, सॉरी, उन्हें उनके एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. इट वॉज बिलीव्ड दैट, डिड यू नो स्टूडेंट, इट वॉज बिलीव्ड दैट द चैमिलियन चेंज देयर कलर टू कॉमीफ्लेज देमसेल्फ. इस बात का यह विश्वास किया जाता है कि जो चैमिलियन होता है वो अपना कलर चेंज करता है और कॉमीफ्लेज करता है अपने आप को. बट नाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट दे चेंज देयर कलर टू रेगुलेट बॉडी हीट एंड टू कम्युनिकेट विथ अदर चैमिलियन. ओके, बट साइंटिस्ट ने ये सर्च किया है और इसका रीज़न बताया है कि वो क्यों कलर चेंज करता है, अपनी बॉडी की जो हीट है उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी उस जितनी ज़रूरी उतनी बॉडी में रहनी चाहिए, जो नहीं है वो निकालने के लिए वो क्या करता है, रेगुलेट करता है अपनी बॉडी को, जिससे उसकी बॉडी का कलर क्या होता है, चेंज होता है. और जो अदर चैमिलियंस होते हैं उनसे कम्युनिकेट, यानी आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो बनाए रखने के लिए वो अपना कलर चेंज करता है. फीडिंग हैबिट्स. फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. अलग अलग एनिमल अलग अलग टाइप का फूड ईटिंग करते हैं बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट. एनिमल्स आर कंसिडर्ड हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. उनकी फीडिंग हैबिट्स के आधार पर उनको अलग अलग इसमें कंसिडर्ड किया गया है, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस. सो फर्स्ट इज हर्बीवोरस एनिमल या फिर हर्बीवोरस. ओके, हर्बीवोरस एनिमल कौन होते हैं, एनिमल्स दोज ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स. ऐसे एनिमल जो प्लांट और प्लांट के पार्ट्स खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस. ओके,
नाउ नेक्स्ट कार्निवोरस एनिमल, या फिर इन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल एनिमल्स दोज आर ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश ईट करते हैं दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओके नाउ नेक्स्ट ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स एनिमल्स दोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो दोनों चीजें खाते हैं प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स भी और एनिमल्स को भी अदर एनिमल्स को भी ईट करते हैं दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ओके सो एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस आर क्राउस बियर्स एंड ह्यूमन बींग ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या होता है क्राउस बियर्स एंड ह्यूमन्स क्या करते हैं ये दोनों चीजें खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं प्लांट पार्ट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स का मीट भी खाते हैं। दैट्स वाई ह्यूमन क्या कहलाता है ओमनिवोरस भी कहलाता है एंड कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं दैट्स वाई उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज हर्बीवोरस व्हाट इज कार्निवोरस एंड व्हाट इज ओमनिवोरस। ओके एंड डिफरेंस बिटवीन ओमनिवोरस कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस। ओके ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। अलग अलग एनिमल में ब्रीथिंग के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू नोज, कुछ एनिमल नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। कैट्स एंड शीप आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। कैट्स और शीप क्या है ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल है जो नोज से ब्रीथ करते हैं। फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू द लंग्स, ये ऐसे एनिमल है जो कि एयर को नोज से लंग्स तक के कैरी करते हैं। ओके इन वाटर फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू दे आर मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स वेन ऑन लैंड। जो आपको पता है स्टूडेंट जो फ्रॉग होती है वो क्या होती है एम्फीबियन होती है। एम्फीबियन क्यों कहते हैं उसको बिकॉज वो लैंड पर भी रह सकती है एंड वाटर पर भी रह सकती है। तो एनिमल दोज लिव इन वाटर एंड लैंड दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। सो इन वाटर फ्रॉग ब्रीथ थ्रू दे आर मॉइस्ट स्किन, जो वाटर होता है उसमें फ्रॉग ब्रीथ कैसे करती है उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके द्वारा ब्रीथ करती है और जब वो लैंड पर होती है तो उसके जो लंग्स होते हैं उनके द्वारा वो ब्रीथ करती है। ओके इंसेक्ट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ टाइनी होल्स अलॉन्ग द साइड ऑफ देयर बॉडीज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी पे साइड में जो होल्स होते हैं उनके द्वारा जो टाइनी होल्स होते हैं आप देख सकते हो इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको टाइनी होल्स दिख रहे हैं। ये जो टाइनी होल्स होते हैं इन्हें हम स्पाइरल्स कहते हैं। उसी तरह आप फिश में भी देख रहे हैं, फिश की भी जो बॉडी होती है उसके ऊपर यहाँ टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो इनके द्वारा ये ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। फिश में ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है। सीन दिस पिक्चर, दिस इज गिल्स, इज कॉल्ड गिल्स। ये गिल्स क्या होते हैं फिश में ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट मूवमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एनिमल लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। एनिमल जैसे कि टाइगर और एलिफेंट अपने लेग्स के द्वारा मूव करते हैं यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, और जो बर्ड्स होते हैं वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं। दे ऑल्सो हॉप ऑन देयर टू फीट ऑन लैंड, और वे अपने जो टू फीट होते हैं उनमें उसके द्वारा हॉप करते हैं लैंड पर। ठीक है फ्रॉग्स हॉप अराउंड यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। जो फ्रॉग होती है वो अपने चारों तरफ अपने जो बैक स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं उसकी हेल्प से मूव करती है। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम इन स्विमिंग, और उनके जो वेब्ड फीट होते हैं वेब्ड फीट कैसे होते हैं सीन दिस पिक्चर, दिस इज वेब्ड फीट जो स्किन से कनेक्ट होते हैं। जो वेब्ड फीट होते हैं फ्रॉग में वो स्विमिंग में उनकी हेल्प करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट फिश स्विम बाय ट्विस्टिंग देयर बॉडीज। फिश अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके स्विम करती है वाटर में एंड मूविंग देयर टेल्स बैक एंड फ्रंट, और अपनी टेल्स को क्या करती है वो मूव करती है बैक एंड फ्रंट में और इस तरीके से वो वाटर में स्विम करती है। ओके एंड पेंगुइन एंड सील्स हैव फ्लिपर्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग। पेंगुइन और सील्स में क्या होते हैं फ्लिपर्स होते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ओके सम एनिमल्स मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनादर इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। कुछ एनिमल्स एक रीजन से दूसरे रीजन यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कुछ रीजन्स होते हैं जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्लाइमेट चेंज होने के कारण। दिस सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड माइग्रेशन।
ये जो होता है वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जो कंडीशन होती है जहाँ वो रहते हैं वो उनके फेवरेबल नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन के कारण, यानी जहाँ वहाँ जिस जगह पे वो पहले से रह रहे हैं वहाँ की कंडीशन में वो रह नहीं पाते हैं, जिसके कारण उन्हें वो प्लेस छोड़कर दूसरी प्लेस पर जाना पड़ता है, और यही चेंजेस क्या कहलाते हैं, माइग्रेशन कहलाते हैं। एनिमल्स की मूवमेंट जो कि उनकी अनफेवरेबल कंडीशन के कारण होती है, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।